फ्योली बोलो के बुरास बोलो फूल फ्योली बोलो। वेलकम बैक टू सरोज भारत ब्लॉग। तो आज गैरसैंण के मौसम का मिजाज कुछ इस प्रकार से है और सूरज भगवान जी अपनी छटा बिखेरते हुए प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। तो आज करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। स्वागत करती हूँ सरोज पहाड़न ब्लॉग में। तो अब कुछ इस प्रकार से लग रहा है हमारा ये हॉल, ड्राइंग रूम है जो हमारा, ऐसा कुछ दिख रहा है। जब हमने पहले यहाँ पे ये लैंप लगाया तो पर्दे के साथ ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए सोचा कि हाँ ब्लाइंड लगाई जाए तभी इस लैंप की सो आएगी। तो अब ब्लाइंड लग करके ये नाइट लैंप बहुत सुंदर यहाँ पे लग रहा है। तभी तो ये देखो तो ये बंदर डरते भी नहीं है। ये अरे कहाँ जा रहे तुम लोग हैं? हे राम। पहुंच गए हम दुकान में, लेकिन आज एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरी भाभी आ गई है। अब दुकान आज आती है या नहीं आती है, लेकिन यहाँ गैरसैंण मतलब अपने घर पहुंच चुकी हैं। बाप रे, मेरे को तो बहुत रिलीफ मिला कि भाभी आ गई। थोड़ा सा साफ सफाई कर लेते हैं, अभी तो पहुंची नहीं हूँ दुकान में, हो सकता है आज रेस्ट करे। आज मेरी धन्नो का मेरे साथ लास्ट डे, आज ये चली जाएगी। बुरा भी लग रहा है, पूरा 6 साल का साथ रहा मेरा और इसका, पूरा 6 साल, लेकिन इसने ऐसे टाइम पे मेरा साथ दिया जब मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी, बहुत साथ दिया। लेकिन एक भैया मेरे पीछे पड़ गया, एक दिन हमने ऐसे ही बोल दिया कि मैं इसको, उन्होंने कहा कि अरे नहीं ले लो, मैंने कहा हाँ मैं दे रही हूँ इसको। बस तब से 2-3 महीने हो गए, तब से मेरे पीछे पड़े थे कि मैडम प्लीज़ दे दो दे दो दे दो। तो आज वो दिन आ ही गया है, तो ये आज जाएगी। मिस भी करूँगी मैं तुम्हें, लेकिन तुम मेरे पड़ोस में ही जा रही हो, ज़्यादा दूर नहीं है, डेली देखूँगी तुमको। इस प्रकार मेरा बहुत बढ़िया साथ बनाए रखा। कभी कभी मजाक वाली बात ना सत्य हो जाती है। मैंने तो 1% भी कभी नहीं सोचा था कि मैं इसको दूंगी या मैं दूसरी लूंगी। ठीक था मेरा दुकान से घर आना, घर से दुकान, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें मजाक में होती हैं तो वो सच हो ही जाती हैं। चलो कोई नहीं, ये जाएगी तो मेरे को नई स्कूटी भी आएगी, लेकिन धन्नो को मैं हमेशा याद रखूँगी। आज मेरी धन्नो का मेरे साथ लास्ट डे, आज ये चली जाएगी। कैसी मजाक मजाक में, यहाँ पे कुछ लोग थे, उन्होंने कहा अरे दूसरी स्कूटी ले लो ये बेच दो, मैंने कहा चलो बिका दो। तब से 3 महीने हो गए, लेकिन वो एक भाई साहब हैं, तब से उनकी नज़र थी कि हाँ दे दो, तो लास्ट में हो ही गया। तो इसने मेरा बहुत ऐसे टाइम पे मेरा साथ दिया है, पूरे 6 साल मेरे साथ हो गया है, इसको बहुत साथ दिया, मैं इसको हमेशा याद रखूँगी। पहली गाड़ी चलानी सीखी है मैंने इस पर, तो मिस भी करूँगी इसको। लेकिन चलो भाई साहब तो बहुत ही पीछे पड़ गए कि नहीं 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 बहन जी दे दो दे दो दे दो दे दो। तो फिर लास्ट में मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि वो इतना कह रहे हैं तो चलो ठीक है कोई नहीं दे दो। तो आज इसका लास्ट डे है मेरे साथ, आज जाएगी ये, लेकिन कोई नहीं यहीं पे है पड़ोस में ही, रोज़ देखूँगी मैं इसको, मिस भी करूँगी लेकिन रोज़ देखूँगी भी। लेकिन रियल में इसने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत, जिस टाइम मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी इसने मेरा साथ दिया है उस टाइम पर। चलो नहीं ये जाएगी तो नई भी तो आएगी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब इतना साल इसका टाइम मेरे साथ रहा, तो अब ये जाएगी तो फिर नई स्कूटी आएगी। लेकिन जो पहली चीज़ होती है ना वो ज़िंदगी भर याद रहती है, मेरी फर्स्ट व्हीकल थी ये, इसी पे मैंने गाड़ी चलाना भी सीखा था। अरे राम, मेरी धन्नो की ना ये सीट कवर भी फटा हुआ था, अंदर तो बिल्कुल एकदम नया है, पर मैं कब से इसका सीट कवर मंगाया हुआ था
लेकिन कोशिश करूँगी कि जो भाई साहब ले जा रहे हैं उनको मैं नई सीट कवर चढ़ा करके स्कूटी दूँ। मौसम में हल्के हल्के बादल, लेकिन धूप भी कुछ कम नहीं है, बहुत अच्छी खासी धूप लगी हुई है। तो दोस्तों, अपना सारा काम धाम निपटा करके रोज की तरह अब मैं जा रही हूँ अपनी दुकान में, वहीं मुलाकात करते हैं। तो हमारे घर में नया मेहमान आ गया है, अब आप लोग देखो नया मेहमान कौन है। आई हूँ मैं TVS में, अब क्यों आई हूँ आप लोग भी देखो। हाँ, तो मैंने ये वाली ये करी है मैंने सिलेक्ट। कैसी है संजू, देख तो थोड़ा। तो ये रही मेरी स्कूटी और ये हो रही है रेडी। तो मैंने गाड़ी ली है एंटोर, अब चला के बताऊंगी कि ये कैसी है। दोस्तों, आज दीदी के ब्लॉग को मैं चला रहा हूँ। दीदी ने जो है नई स्कूटी ली है, दीदी को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ, नए वाहन की ढेर सारी बधाइयाँ। भैया मेरे को बता दो इसके ये आपको ऑनर का है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी बोलो गाड़ी चालूंगी। अब इसका आप में वॉइस कमांड दीजिए। हाँ, उधर कैसी स्थिति है अभी जो सीमेंट में, जब आपका ये नंबर वगैरह आ जाएगा तो ब्लूटूथ से आपका कनेक्ट करके वॉइस कमांड आप जैसे आपने। अच्छा, वही तो मैंने भी दो बाल्टी की ट्रक है देखे ना भाई, बात कांति भाई को बाकी कांति प्रसाद से बता दीजिए ना। गाड़ी खराब हो जाए तो हमारे लैपटॉप वगैरह लगता है, अब गाड़ी खोलने की जरूरत पड़ती है ना, इससे पता चल जाएगा आपका फर्स्ट एड हो गया। 5% में उसके लिए ना 9 महीने। और ये लास्ट मोमेंट पे मतलब अंतिम समय में इस स्कूटी का अंतिम समय स्कूटी का इसी स्कूटी का जो मैंने अपनी धनो दी भाई साहब को दी, भाई साहब यहाँ पे जल संस्थान में मेरे पड़ोस में ही है, मेरे कागज में है, ठीक है। अरे तो ऊपर तो शंका वो मुंह नहीं बना, किसको ठीक है बेटा मेरा। तो भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको भी है, मैं उम्मीद करूंगी आप भी जल्दी जल्दी नई गाड़ी लो, लेकिन मेरी गाड़ी फोर व्हीलर है, ये बहुत अच्छी गाड़ी है, अभी तक इसका इंजन नहीं खुला है। यहाँ पर किसी को भी पूछ लो तो जितने भी लोग हैं, ठीक है, सोच रहा हूँ ना मैं 1-2 साल जैसे ट्रांसफर होगा ना यहाँ से, मुझे भी अजीब लग रहा है, मेरे साथ 5-6 साल रही है, मेरा साथ दिया है इसने। चलो ठीक है फिर है, ठीक है। तो एक बार मैं संजू भाई का धन्यवाद भी करना चाहूंगी, क्योंकि मेरे मिस्टर तो स्कूल गए थे, संजू भाई ने मेरी बहुत हेल्प करी, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, ले ली मैंने फाइनली, मेरी स्कूटी आ गई है और स्कूटी आने की खुशी भी हो रही है बहुत, और पुरानी स्कूटी गई थोड़ा सा दुख भी हो रहा है, उसने मेरा 1 साल तक इतना बढ़िया साथ दिया, लेकिन कोई नहीं, जब एक चीज़ जाती है तो दूसरी चीज़ आती है, कोई नहीं, ये सब चलता रहता है लाइफ में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ये भी बताना। फिर मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में, तब तक ले जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।